दिवाली पूजन पर देवी लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है। ये बात तो सभी जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि छोटी दीपावली के दिन 5 खास देवी देवताओं की पूजा का विधान है। ये बात हर कोई नहीं जानता, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि छोटी दिवाली के दिन किन की पूजा की जाए जिससे जिंदगी में सुख समृद्धि बनी रहे। पूरी जानकारी के लिए लोकल 18 ने होशंगाबाद के पंडित पंकज पाठक से बातचीत की, उन्होंने क्या क्या बताया चलिए आपको बताते हैं। देखिए, धनतेरस और दीपावली के बीच में जो चतुर्दशी पड़ती है, इसको रूप चतुर्दशी कहते हैं, इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं और इसको छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि अलग अलग देवताओं का इस रूप चतुर्दशी से संबंध है। इसलिए 5 देवताओं का विशेष तौर पर इस रूप चतुर्दशी के दिन हमको पूजन करना चाहिए। सबसे पहले यम का पूजन करना चाहिए, घर की चौखट के बाहर एक चौमुख दीप को प्रज्वलित करना चाहिए और बाद में फिर उस चौमुख दीपक का पूजन करने के पश्चात उस दीपक को किसी चौराहे पर रख करके आना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के पापों से निवृत्ति होती है और यम का हमको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण का हमको पूजन करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसके साथ ही वामन भगवान का भी हमको नरक चतुर्दशी के दिन पूजन करना चाहिए। चतुर्दशी जो तिथि है वो भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस चतुर्दशी के दिन शिव पार्वती की विशेष रूप से हमको पूजन करना चाहिए। दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसलिए दक्षिण भारत के उन क्षेत्रों में इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी का पूजन किया जाता है। हम लोगों को भी हनुमान जी का विशेष पूजन इस चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और गुड़ और चने का हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। इस चतुर्दशी के दिन भगवती महाकाली और भद्रकाली का पूजन यदि हमारे जीवन में हम करते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, संकट हैं, उन सब से हमको निवृत्ति की प्राप्ति होती है, रोगों से निवृत्ति की प्राप्ति होती है, शत्रु बाधा से निवृत्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस विशेष तौर पर भगवती काली का पूजन हमको करना चाहिए। छोटे दिवाली के दिन यमराज देवता भगवान शिव, हनुमान जी, वामन देव और भगवान कृष्ण के अलावा काली माँ की पूजा की जाती है। ऐसा करने से आपकी जिंदगी में खुशहाली बनी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।